हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्राफ्ट क्लास। आज मैं आपको इस बुकरम के सर्कल पीस से लड्डू गोपाल जी के लिए क्रिसमस पे पहनाने के लिए एक सुंदर सी ड्रेस बनाना सिखाऊंगी, जिसके लिए हमें बुकरम पे ये रेड वेलवेट का कपड़ा पेस्ट करना है। इस तरह से हम फैब्रिक ग्लू लगा के इसे पेस्ट करेंगे और जो किनारे हैं वो अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे ताकि ये अच्छे से सील हो जाए। इस ड्रेस को बनाना बहुत ईजी है, कोई भी इसे घर पे बना सकता है। जिसे सिलाई नहीं आती वो भी बना सकते हैं, जिन्हें सिलाई आती है वो तो बना ही सकते हैं। और क्रिसमस के लिए आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस ड्रेस को और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये ड्रेस कैसी लगी। ये फोल्ड कर लिया है, इसके ऊपर मैं सेम साइज़ का एक और रेड कपड़ा लगा देती हूँ। बनाने के लिए भी मैंने ग्लू का यूज़ किया है। देखिए इस तरह से ये पेस्ट हो गया है दोनों तरफ से। एक गर्म कपड़ा है ये, सर्दियों में क्रिसमस आ रहे तो हम थोड़ा वूलन यूज़ करेंगे इसमें, थोड़ा गर्म कपड़ा और थोड़ी सी ऊन के साथ इस ड्रेस को बनाएंगे। चलिए इसे फोल्ड करके एक सेंटर का कट ले लेते हैं जिसे हम कान्हा जी को इसे पहना सकें। और अब इसे खोल के एक सेंटर में कट कर दीजिए। देखिए ये हमारा बिल्कुल बेसिक पैटर्न है। और अब हम इसे जो इसके किनारे हैं उसके लिए मैंने देखे वाइट कलर की ऊन से एक चोटी बना ली है। बहुत इजी होती है चोटी बनानी, आप सबको आई होप आती होगी। ऊन का धागा लेके इसे बहुत इजीली बनाया जा सकता है और ग्लूगन की हेल्प से या सुई धागे की हेल्प से आप इसे पेस्ट कर दीजिए। सर्दियों के पर्पज़ के लिए बना रहे हैं हम और क्रिसमस के लिए बना रहे हैं, इसलिए मैंने ऊन का और वेलवेट के कपड़े का यूज़ किया है। और क्रिसमस के लिए बना रहे हैं इसीलिए मैंने वाइट और रेड कलर का यहाँ पर इसको चूज़ किया है। देखिए इस तरह से हमने पूरा सर्कल ऊन से कवर कर दिया। अब मेरे पास ये छोटे छोटे से सेंटास हैं जो मैंने क्राफ्ट शॉप से लिए थे और ये मेरे को 6 पीसेस मिले थे 20 रुपीज़ में। देखिए इस तरह से मैंने ग्लूगन की हेल्प से इन्हें पेस्ट कर देना है पूरी ड्रेस पे। अगर आपके पास सेंटास नहीं है तो आप क्राफ्ट शॉप से इन्हें परचेज कर सकते हैं। अगर नहीं मिल रहे हैं आपको तो आप वाइट कलर के फ्लावर्स का या पॉम्पॉम्स का यूज़ भी कर सकते हैं सेंटा जैसी ड्रेस बनाने के लिए। देखिए इस तरह से, चलिए हमने साइड पे रख देते हैं, अब स्लीव्स बना लेते हैं। स्लीव्स के लिए भी मैंने रेड कलर का एक बिल्कुल लंबी पट्टी ले ली है, उसको फोल्ड करके इसके किनारे सील कर लेते हैं। ये भी बेसिक पैटर्न है जो मैं अपनी हर वीडियो में आपको बताती हूँ। दो पट्टे लेने हैं इस तरह से और इस तरह से हम इसकी स्लीव्स बनाएंगे और आगे भी हम इसको और भी डेकोरेट करेंगे बिल्कुल, जो हमारी बहुत सुंदर सी क्रिसमस की ड्रेस बन जाए। चलिए दोनों को वी शेप में पेस्ट कर लेते हैं। अब आपको मार्केट से बिल्कुल भी कोई कॉस्टली ड्रेस खरीदने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप घर पर बहुत ईजिली बना सकते हैं। थोड़ा बड़ा लग रहा था तो मैं इसे कट कर लेती हूँ और अब इसे अपनी ड्रेस के साथ अटैच कर लेते हैं। अटैच करने के लिए भी आप सुई धागे का यूज़ कर सकते हैं। दोनों किनारों पे अच्छे से दोनों स्लीव्स को पेस्ट कर दीजिए। बिल्कुल गर्म और बहुत ही सुंदर ड्रेस बनेगी क्रिसमस के लिए, ज़रूर ट्राई कीजिएगा घर पर। जो नए सब्सक्राइबर्स हैं वो भी आने वाली वीडियोज़ को ज़रूर देखिएगा। देखिए अब मैं एक फ्लावर बनाने वाली हूँ जिसे मैं पहले भी बता चुकी हूँ आपको बनाना। ये पेंसिल से हम ऊन से फ्लावर बनाते हैं और ये बहुत इजीली और बहुत क्विकली बनने वाला फ्लावर है। जिन्हें क्रोशिया नहीं आता वो इजीली ये फ्लावर बना सकते हैं। बस आपको इसे पेंसिल पे रोल करना है ऊन को। बहुत प्यारे प्यारे फ्लावर्स बनते हैं इससे, देखिए इस तरह से। और कट कर दीजिए, इसे पेंसिल में से निकाल लीजिए। ऊपर का एक किनारा अलग ही रहेगा और दोनों किनारों को आपस में खींच के इसे बंद कर दीजिए। टाई कर देते हैं इसे दोनों एंड पॉइंट्स को और ये हमारा फ्लावर बन के रेडी है। देखिए ये फ्लावर बन गया, इसे मैं एक स्लीव्स पे पेस्ट करूँगी, एक ब्रोच की तरह कान्हा जी की स्लीव पे लगाएंगे इसे। देखिए ये हमारी ड्रेस बन गई है। आप इसे इस तरह भी छोड़ सकते हैं बट मैं इसमें पॉम्पॉम्स का यूज़ करूँगी। मेरे पास वाइट कलर के बहुत सुंदर पॉम्पॉम्स हैं ये, तो चलिए इनको पेस्ट कर लेते हैं। आपने देखा ये ड्रेस बहुत जल्दी बन गई है, तो अभी क्रिसमस के लिए काफ़ी दिन बच रहे हैं तो आप ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। अंदर भी लग सक गए हैं। अब मैं बाहर के लिए रेड कलर के पॉम्पॉम्स हैं मेरे पास, तो मैं बाहर रेड कलर के पॉम्पॉम्स लगाऊँगी किनारों पर। स्पेसिंग का ध्यान रखिएगा कि इक्वल स्पेसिंग पे सब लगे,
ताकि हमारी ड्रेस में फिनिशिंग अच्छी आए। देखिए इस तरह से हम लोग ग्लूगन की हेल्प से पूरी ड्रेस के किनारों पर रेड कलर के पॉम्पॉम्स को भी लगा देंगे। हमारी क्रिसमस के लिए लड्डू गोपाल जी को पहनाने के लिए ड्रेस बिल्कुल रेडी है। आई होप आप सबको अच्छी लगी होगी। मुझे ज़रूर कमेंट्स करके बताइएगा और लाइक करना ना भूले, शेयर भी कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ।